हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज के इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग जीपी रेटिंग या कोई भी कोर्स करने के लिए जाते हैं तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग को कौन कौन सा सामान मिलता है और अपने घर से क्या हमको लेके जाना पड़ता है। क्योंकि बहुत लड़कों का ये कमेंट था कि भाई इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दो, क्योंकि हम लोग का जुलाई बैच शुरू होने वाला है और हम लोग घर से क्या सामान लेकर जाएंगे ताकि ट्रेनिंग में जाएंगे तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो भाई, मैंने जीपी रेटिंग कोर्स किया था और जीपी रेटिंग और सीसीएम से जो लड़के कोर्स किए हैं सेम उनको वही सामान घर से लेके जाना पड़ेगा और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी सेम टू सेम सामान मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वहाँ पर भी आपको एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, अभी सिनर्जी का फॉर्म निकला हुआ है, जो लड़के जीपी रेटिंग और सीसीएमसी कर लिए हैं या अपेयरिंग में है तो वो भी फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आप लोग के करियर का सवाल है, आप लोग को एग्ज़ाम देना पड़ेगा और प्लेसमेंट भी वहाँ से हो जाएगा। अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम या प्रिपरेशन के लिए या किसी भी कंपनी के प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, कॉमेंट करें, मैं आपको नोट परचेस करा दूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप जुलाई बैच में एंट्री करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट में क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका जो ट्रेनिंग है अगर वो गर्मी के दिन में होता है तो आपको एक्स्ट्रा जो ट्रेसेस होता है, जो रनिंग किट होता है, वो आपको नहीं मिलता है, यानी आपको स्वेटर वगैरह नहीं मिलता है गर्मी के दिन में, ठंडी के दिन में मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जब आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो सबसे पहले आपको दो शॉर्ट मिलेगा और दो पैंट मिलेगा, यानी आपको वाइट दो शॉर्ट मिलेगा और वाइट और ब्लैक दो पैंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको दो टी शर्ट मिलेंगे और उसके बाद एक आपका हाफ पैंट यानी थ्री क्वार्टर पैंट मिलेगा, तो ये आपका वो हो गया। उसके साथ साथ आपको एक बॉयलर सूट मिलेगा जो आप पहनकर प्रैक्टिकल करेंगे। उसके साथ आपको तीन जोड़ी मोजा मिलेगा। ठीक है, मोजा आप समझ रहे हैं ना, जूता के ऊपर, जूता के नीचे जो पहना जाता है उसको बोलते हैं मोजा। ठीक है, और तीन जोड़ी आपको जूता मिलेगा, उसमें से एक प्रोफेशनल रहेगा, एक आपका सेफ्टी शूज रहेगा और दूसरा आपका रनिंग वाला जूता रहेगा। ये चीज़ें मिलेंगी। उसके साथ आपको बेल्ट मिलेगा, हैंडकरचीफ मिलेगा, टावल मिलेगा और पेंसिल वगैरह और ज्योमेट्री बॉक्स उसके साथ आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और एक कैप भी मिलेगी और ऑपोलेट आपका मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट से मिलने वाली है। उसके साथ साथ आपको घर से क्या लेके जाना है, तो दोस्तों घर से आप मोटल कपड़ा कुछ मत लेके जाना, क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो टी शर्ट मिलता है वही आपको पहनना पड़ेगा, घर वाला कपड़ा अलाउ नहीं है। बस वो कभी छुट्टी हो गई तो कोई फेस्टिवल वगैरह हो गया तो उस टाइम आप वो पहन सकते हो, बस इंजॉय कर सकते हो और कुछ नहीं। तो मैं आपको बोलूँगा कि जितना आपके पास ट्राउज़र है तो ट्राउज़र आप तीन चार भर के लेके जाना, और जो अंडर पैंट है और आपका बनियान है वो तीन चार पीस लेके जाना। ठीक है, और मोजा भी आप घर से ख़रीद लेना, और डेटॉल वगैरह जो साबुन है, क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अधिकतर पानी वहाँ पर खड़ा होता है तो स्किन इन्फेक्शन होता है, तो डेटॉल साबुन छः सात पीस ले लेना, छः महीने उसमें आराम से निकल जाएगा। सॉप वगैरह भी आप घर से ले सकते हो। उसके साथ टी शर्ट, ट्राउज़र, टावल वगैरह आप अपना कैरी करना, और मेडिसिन पक्का कैरी करना, क्योंकि तबीयत वगैरह ख़राब होगी तो मेडिसिन आपका यूज़ होगा, तो मेडिसिन आपका बुखार वगैरह खांसी वगैरह होता है तो वो भी आप कैरी कर सकते हैं। उसके बाद स्टेशनरी आइटम में क्या होगा, तीन रुपये या पाँच रुपये वाला एक पॉकेट कैरी कर लेना। और उसके बाद जो आपका कॉपी है तो कॉपी क्या, बीस बीस रुपये वाली छः कॉपी खरीद लेना, उससे आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। छः महीने में हद से ज़्यादा आप पढ़ लोगे बस कॉपी में, उतना ही बीस रुपये वाली चार पांच कॉपी लेके चले जाओगे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो सब्जेक्ट ही। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है लेके जाने। और खाने पीने के सामान हो तो अपना अचार वगैरह लेके जाना, मैं तो अचार वगैरह लेके गया हूँ, खाने का शौकीन हूँ तो मैं वो खाता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लेकर जाओगे। अभी भी आपको कुछ डाउट है कि भाई और क्या लेके जाना है, और डॉक्यूमेंट में बताया था तो डॉक्यूमेंट जो कॉलेज बोलेंगे वही आपको लेके जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना होगा, क्योंकि एक बार आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एंट्री कर गए तो आपको वहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, सॉरी नामुमकिन भी नहीं है, इमरजेंसी टाइम में निकल सकते हैं। और बहुत लड़के बोल रहे थे कि भाई म्यूजिक वोजिक सुनने के लिए कुछ लेके जाएंगे, तो भाई छः महीने तुम पढ़ने जा रहे हो कि म्यूजिक सुनने जा रहे हो। किसी किसी कॉलेज में मोबाइल अलाउ है तो मोबाइल आप लेके जा सकते हो, लैपटॉप वगैरह आप लेके क्या करोगे, क्योंकि इतना टाइम ही आपको नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी जो क्लासेस होती है सुबह 8:45 से लेकर शाम को 5:15 तक चलती है तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप कैरी कर सकते हो। और अगर मेरे से कुछ छूट गया हो और या आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर वगैरह है, आप कॉमेंट करो, मैं आपको जरूर डेफिनेटली समझा दूँगा। तो यही एक छोटी सी वीडियो है, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर